दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ओरायन फैन रिपोर्ट में, सीधे फुटबॉल स्फीयर से। आने वाले दिनों में टीम में काफी मुश्किल गेम्स होने वाले हैं। पहले इनविंसिबल यूनाइटेड, फिर सुपर स्ट्राइकर्स, पर हमेशा की तरह हमें कोच ब्लैक पर भरोसा है। क्या वो क्या है? एलियन होने का अंदेशा मिला है। एक फुटबॉल स्टेडियम में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। पर क्या वो सच होगा? कहना मुश्किल है। हमें कोई चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। किसी को फुटबॉल की कोई जानकारी है? वो जिसमें बॉल से खेलते हैं, राइट? मैंने एक सही बंदे का पता लगा लिया है। वो फुटबॉल जानता है। वो स्टेडियम में जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो इन बातों में यकीन रखता है। क्लाउस, हमारे लिए तैयार हो जाओ। इस सीजन का यह सबसे अनोखा मैच रहा है बॉयज। ओरायन ने इनविंसिबल यूनाइटेड के हर मूव को रोका, उनकी हर स्ट्रेटेजी को भांप लिया और गोल पे गोल करते गए। मुझे पता है उन्होंने ये कैसे किया। कोच ब्लैक को मदद मिल रही है एलियन से। ये फिर शुरू हो गया। मैंने ये क्लिप 20 बार देखी है। मेरी बात मानो दोस्तों, ये असली है। एलियंस जैसा कुछ नहीं होता है, वो वीडियोस बिल्कुल नकली होते हैं। मेरे ख्याल से क्लाउस को कुछ वक्त आराम की जरूरत है कोच। अगर एलियंस ने नहीं किया तो फिर ओरायन को इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान कैसे पता था? जाहिर है कोच ब्लैक ने उनके पहले वाले गेम्स को देखकर ही उनकी स्ट्रेटजीज को सीखा होगा। पर कोच, अगर उसने हमारे साथ भी ऐसा किया होगा तो? फिक्र मत करो, मैंने दो बिल्कुल नए, कभी ना देखे गए मूव्स बनाए हैं। देखो, ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम उनको टॉप सीक्रेट रखें। इसका मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ तुम उनके बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि वो एलियंस हमारे दिमाग पढ़ सकते हैं, है ना? इन मूव्स पर ध्यान दो, एलियंस पर नहीं, समझे? समझ गया कोच। लग रहा है जैसे फुटबॉल स्फीयर में मैच का दिन हो, पर असल में ओरायन का स्टेडियम अब है दुनिया की सबसे नई एलियन के दिखने वाली जगह। मुझे साथ ले जाओ एलियंस। वो हमारे बीच ही रहते हैं। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। अब मेरे साथ है ओरायन मैनेजर कोच ब्लैक, सीधे फुटबॉल स्फीयर के ऊपर बनी हुई अपनी ऑब्जर्वेटरी से। कोच ब्लैक, आप देखे गए यूएफओ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो लाइट्स तो बस एक खूबसूरत उल्का वर्षा का हिस्सा थी। जरूर उन एलियंस ने ही उसे ये कहने को कहा होगा। अरे आवाज करना बंद कर दो, मेरी नींद टूट रही है। आपकी टीम ने पिछले हफ्ते इनविंसिबल यूनाइटेड को धूल चटा दी। कुछ लोगों का कहना है कि आपको मदद मिल रही है उन एलियन से। अच्छा मजाक है, पर असल में मेरा राज है बस पूरी तैयारी करना। चलो, लगता है ओरायन पूरी तैयारी कर चुका है, और वो सारे यूएफओस, उनकी बात मैं एक्सपर्ट्स पर छोड़ देती हूँ। सच वहाँ सबके सामने ही है। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। वो जल्दी क्यों नहीं आ जाते? तुम कौन हो? हम स्पेशलिस्ट्स का एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम पृथ्वी पर एलियन एक्टिविटी ढूंढते और परखते हैं। बस एक हम ही हैं जो जानते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम सब हैं नेशनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिकॉग्निशंस डिवीजन। वो हमेशा ऐसा करता है। हम इस ऑपरेशन को पूरी तरह खुफिया रखना चाहते थे, बुद्धू कहीं के। सॉरी दोस्तों। झगड़ा बंद करो, तुम सबने बहुत अच्छा किया था। अब बताओ तुम सबको क्या चाहिए? हमें पता है तुम वो लाइट्स वाला फुटेज देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा कोई चाहिए जो उन लाइट्स की सच्चाई का पता लगा सके। ऐसा कोई जो फुटबॉल स्फीयर में जा सके। हमें जो चाहिए वो तुम हो क्लाउस। क्या मैं एक एलियन हंटर? हाँ, नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? हमारा एक बहुत जरूरी गेम होने वाला है, मुझे बस ध्यान देना है हमारे नए। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है।
मुझे उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं जानता था क्रॉप सर्कल्स। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ एलियंस हैं। ओह प्लीज, इनके यहाँ होने की कोई वजह जरूर होगी। हाँ, मैंने इन्हें बनाया है। इसीलिए आप चाहते थे कि एलियंस के बारे में मैं चुप रहूं। आप उनमें से एक हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम सबको सिखाऊं वो टॉप सीक्रेट। तुम जानते हो क्या? और फिर तुम उन्हें ओराइन के होम स्टेडियम पर प्रैक्टिस करो गेम के एक दिन पहले। इसलिए मैंने बनाई इस शहर की सबसे प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी। मैं तुम्हें ये मूव सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान देना, झांकना नहीं डिफेंडर्स। हम इन मूव्स को तुम तीनों पर परखेंगे। पहला मूव है ओवरलैप का इस्तेमाल करके डिफेंस के पीछे से जगह बनाना। तुम पार नहीं कर पाओगे डूड। जानता हूं, लेकिन फाइटर करेगा। दूसरा, रफ्तार और पासिंग का इस्तेमाल करके सामने वाले के डिफेंस को तोड़कर निकलना। बहुत अच्छे बॉयज, तुम सब समझ गए ना? शायद कल मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़े। हाँ कोच। ओराइन वाले इन मूव्स के बारे में तो कभी जान नहीं पाएंगे। क्लाउस, तुम वो वीडियो और कितनी बार देखोगे? चलो अब प्लीज सो जाओ। तो अब बताओ ये कैसे हो रहा है फाइटर मेरे दोस्त? वो तो बस ओरायन अपनी फ्लड लाइट्स चेक कर रहे हैं। आसमान से आती हुई फ्लड लाइट? वेल, जो भी हो वो एलियंस तो नहीं हो सकते। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो पता लगाएं। रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो फिर हो रहा है। उतना ही नहीं, क्लाउस चल रहा है, वो स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है। हाँ, मुझे पता था वो सच का पता लगाने जरूर आएगा। एक मिनट, हम क्लाउस को ट्रैक कर रहे हैं? तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं बताते। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम हमारी सारी खुफिया बातें अपनी मॉम को बताते हो। बिल्कुल भी नहीं। क्लाउस ने अपने डिजिट ऐप के कैमरा को ऑन किया हुआ है, मैं उसे अभी एक्सेस करता हूँ। मॉम, जल्दी आकर ये देखिए। सुपर लीग के लेजेंड्स यहाँ चोरों की तरह घूम रहे हैं। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गया। क्लाउस, हाँ? ये सपना है क्या? नहीं, बस साबित हो रहा है कि मैं कितना सही था। ये मेरा वहम है या फिर वो लाइट्स एक पैटर्न पर चल रही है? भागो! नहीं, वो फुटेज!
वहाँ एक पैटर्न जरूर था, मतलब वो एलियंस बहुत होशियार हैं। मैच का दिन आज है, मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। यहाँ फुटबॉल स्फीयर में तो जैसे एलियन के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किसी को इन्हें बताना चाहिए कि वो यहाँ फुटबॉल देखने आए हैं, आसमान को नहीं। पर एक शख्स है जिसकी नजर पूरी तरह गेम पर होगी, वो है ओरायन के कोच ब्लैक, जो अब भी ऑब्जर्वेटरी में है। हाँ लीना, यहाँ ऊपर से मैं अच्छी तरह देख पाऊंगा आसमान और फील्ड पर होने वाले गेम को। वो लाइट्स, वो आ रहे हैं, वो हमारा दिमाग ले लेते हैं। वाओ, मुझे नहीं पता था ये पागलपन फैलता है। अब तुम पर क्या सवार हो गया है फाइटर? क्या क्या मुझ पर कुछ सवार हो गया है? अब वो मेरे अंदर अपने एलियन एग्स रख देंगे, उन्हें बाहर निकालो। मुझे बताओ क्लाउस, तुम्हें क्या लगता है फाइटर के दिमाग में ये सब किसने डाला? आपको मेरी बात माननी ही होगी, वो लाइट्स, वो तो बस एक और बार लाइट्स बोलकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। और फाइटर तुम, तुम्हारे अंदर एलियन घुस गया हो या जो भी हुआ हो, तुम स्टार्टिंग लाइनअप में खेल रहे हो। गेम शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अच्छे फॉर्म में हैं, पर उन्होंने कभी ऐसी टीम के साथ नहीं खेला है जिसे मदद मिलती है वहाँ ऊपर से। ओ मैक, अब तुम भी। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। सुपर स्ट्राइकर्स का अटैक लगातार जारी है, पर ओरायन उनसे भी बहुत आगे हैं। लगता है जैसे उन्हें मदद मिल रही है। कुछ भी मत कहना मैक। पहला मूव, कैप्टन राजकाका का मान का पास। लगता है उसने इसकी भी बहुत प्रैक्टिस की है। पर टाइगर के सामने तो जैसे डेड एंड आ गया। ओह नो, ऐसा नहीं है। कमाल की चाल चली। क्या है आया? ओह नहीं, एक बार फिर ओरायन ने खुद को बेहतर साबित किया। मेडा को कैसे पता चला? ये है फर्स्ट हाफ का आखिरी मौका। चलो दोस्त, हमें करके दिखाना होगा। ठीक है, चलो हो जाए शेक। वो आ गए। न जाने फाइटर को लॉकर रूम में जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? शायद उसे बाथरूम जाना था। बाल बाल बच गया। कोच, आप मुझे बिठाए रखिए, मुझे टीम से निकाल दीजिए। चाहिए तो मुझसे सबके मैले मोजे धुलवाइए, पर एक बार लाइट्स के बारे में मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बताओ क्या बताना है। कल रात जो मैंने लाइट्स देखी थी, वो हमारे सीक्रेट मूव्स के पैटर्न पर ही चल रही थी। मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम ये साबित कैसे करोगे? मैंने कल रात उसे मेरे डिजिट ऐप पर रिकॉर्ड किया था, पर मैंने उसे गिरा दिया। मान लो क्लाउस, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, क्योंकि एलियंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। सारा सच दरअसल यहाँ पर है। ये सब क्या है? नेशनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिकॉन्सेंस डिवीजन आपके खिदमत में हाजिर। नर्ड, सच में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात उस कॉर्नफील्ड में वो तुम लोग थे।
तुमने मेरी हालत पतली कर दी थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हम ऐसे कपड़े क्यों ना पहने? हमें आप सबको एक चीज दिखानी है। क्लाउस, हमने वो वीडियो देखा जो तुमने कल रात रिकॉर्ड किया था। यकीन नहीं होता, क्लाउस सही है, वो लाइट्स ठीक हमारे मूव्स के पैटर्न पर चल रही हैं। और जरा ये देखो, मेरा क्या हो? तो ओरायन को हमारे पहले सीक्रेट मूव का पता ऐसे चला था। वो लाइट्स आ कहां से रही है? प्लीज एलियंस मत कहना। इसका जवाब है, सच में वहां ऊपर है। खत्म हो गया है। सुपर स्ट्राइकर, तुम चाहे कोई भी सीक्रेट मूव बना लो, ओरायन वाले तुम्हारे हर मूव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि मैंने फुटबॉल खेलने की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। स्पेस में हंसी किसी को भी सुनाई नहीं देती। तो कहां है कोच ब्लैक? देखिए, वो सारा वक्त ऊपर स्पेस में ही था। अपने स्पेस स्टेशन से आपके मूव्स का पता लगाने के बाद उसने लाइट्स के जरिए उन्हें सेट किया और अपने प्लेयर्स को उनका सामना करना सिखा दिया। और वो यूएफओ वाले पागलपन में सब छिप गया। मुझे लग रहा था वो कहीं और से ही इंटरव्यू दे रहा है। क्लाउस, तुम चीजों को भांप लेते हो, फील्ड पर भी और बाहर भी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दखल देने के लिए सॉरी, पर ये सब जान लेने से हमें सेकंड हाफ में क्या फायदा होने वाला है? हमारे पास एक ही मूव बचा है और इसके बारे में तो वो सब कुछ जान चुके हैं। वैसे कोच ब्लैक को नहीं पता कि हम सब जान गए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है क्लाउस? मेरे दिमाग में एक और नया मूव आया है। स्कोर अब भी बराबर होते हुए कोच खेल में किसी नए को भेज रहे हैं। अजीब फैसला है, क्लाउस तो अरसे से पहली टीम के साथ नहीं खेला है। हेलो मिस्टर जासूस स्ट्राइकर, तुम कल रात वाली लाइट से डर गए थे, पर अब तुम्हें पता चलेगा वो सच में कितनी डरावनी है। दूसरा मूव दोस्तों, चलो। पहले से पता था। उम्मीद है तुम देख रहे हो। शेख से टाइगर को, फिर शेख के पास। एक और नाकामयाबी। ओरायन ने एक मील दूर से खतरा भाप लिया था। अब तुम फंस गए शेख। पर ओरायन ने तो बीच में क्लाउस को खुला छोड़ दिया। वो दूसरा मूव नहीं है। क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो। ये क्या? तुम्हें भी उन पर यकीन हो गया ना ब्रेंडा? हाँ हाँ ठीक है। इसका मतलब सुपर स्ट्राइकर्स जीते, राइट? पता नहीं। हाँ, वो जीते। मुझे मॉम को बताना होगा। उन्होंने ये कैसे किया? मुझे उनसे नफरत है, नफरत है। डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ऑन हो गया।
नहीं। हाँ, आपके पास 20 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। बेकार शेप। आपके पास 10 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। मांगो दोस्त। हाँ, मेरी विश तो पूरी हो गई, हम जीत गए।